ये रामपुरी चाकू है भाई, लग जाए तो खून निकल आता है। क्या बनाऊं तरकारी बताते जाना, क्या बनाऊं तरकारी बताते जाना। मोटा सा बैगन हमरा ससुराल गत है, मोटा सा बैगन हमरा ससुराल गत है। मेथी लगे है ससुरानी बताते जाना, मेथी लगे है ससुरानी बताते जाना। क्या बनाऊं तरकारी बताते जाना। लाल चुकंदर हमरा देवर लगत है, लाल चुकंदर हमरा देवर लगत है। मूली लगे देवरानी बताते जाना, मूली लगे देवरानी बताते जाना। क्या बनाऊं तरकारी बताते जाना। मोटा सा कद्दू हमरा जेठा लगत है, मोटा सा कद्दू हमरा जेठा लगत है। पालक लगे है जेठानी बताते जाना, पालक लगे है जेठानी बताते जाना। क्या बनाऊं तरकारी बताते जाना। मोटा सा टिंडा हमरा नंदोई लगत है, मोटा सा टिंडा हमरा नंदोई लगत है। भिंडी लगत नंद रानी बताते जाना, भिंडी लगे नंद रानी बताते जाना। क्या बनाऊं तरकारी बताते जाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग अलगंदर राखी। तो क्या बनाऊं तरकारी बताते जाना, कोई भी जेंट्स नहीं बताता है क्या बनाना है, बस ये मशक्कत हम लेडीज को ही करनी पड़ती है। पतियों से पूछो, कहते हैं जो मन है वो बना लो, और जब बना के दो मन पसंद नहीं होता तो क्या बना लिया। ठीक है, तो पतियों को कुछ नहीं पता होता क्या बनाओ, बेचारों को जो भी आइडिया नहीं होता, तो वो लेडीज की माता बच्ची की सुबह को क्या बनना है, शाम को क्या बनना है, दोपहर में क्या बनना है, बस पूरा दिन इसी में क्या बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है। ठीक, बच्चों की पसंद अलग, पतियों की पसंद अलग। तो बनने से पता है, मुझे याद आया जब मैंने अपने शुरू में वीडियो डाले थे ना, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, मैं रेसिपी ही बनाती थी। तो मैंने शुरू में जो घर के बर्तन होते ना, उन्हीं में यूज करके सब लोग बोले नहीं उसमें दिखाना, अच्छे अच्छे बर्तन दिखते हैं, रेसिपी जब दिखाओ प्रेजेंट करो किसी चीज को तो अच्छे से ना। तो मैंने पता है इतना पैसा हर चीज में बर्बाद किया, नॉन स्टिक कढ़ाई लाई और भी बहुत बहुत सुंदर सुंदर आइटम लाई। तो खाने से मुझे ये ध्यान आ गया कि क्या बनाऊं, तो इस समय तो मैं कोई तरकारी ना बनाती हूँ ना डालती हूँ, जो ब्लॉगिंग में डेली यूज बनती है मेरी, डेली के जो बनने आया खाना बस वही आपके साथ शेयर किया जा रहा है, कोई रेसिपी नहीं बनाती हूँ। तो वो मेरी सारी बर्तन जो है ना, इतने बढ़िया क्रॉकरी मेरी, जो भी मैं सजाने की हर चीज लाई थी एक्स वाई जेड, सब चीज ऐसी रखी है। तो आज क्यों ना वो डिब्बे में मैंने ऐसे ही भर के रख दी है अपनी सारी, तो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है ना, तो चलिए दिखाती हूँ आपको आज अपनी मैंने कितनी सारी सामान लिया था रेसिपी वगैरह बनाने के लिए। अब तो ब्लॉगिंग पे आ गई हूँ भाई, तो ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ये मैंने डिब्बे में भर के, ये देखिए कार्टून, इसमें भर के इसमें सारा रख दिया। इसको निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ आपके लिए। देखिए सब भरा हुआ है इसमें सामान। तो देखिए ये कार्टून मैंने निकाल दिया और इसमें इतने सारे आइटम। सबसे पहले ये देखिए, ये लाई थी कभी, जैसे चाउमीन या कुछ भी और चीज बनाती हूँ छानने वाली, तो ये देखिए ये लाई थी। ठीक है, वैसे भी ये घर में यूज हो जाती है लेकिन लाई थी मैं तभी थी। ठीक है, इसमें रखी क्योंकि एक्स्ट्रा थी मेरे पास, तो ये देखिए रखा है। और ये लाई थी तलने के लिए, ये लाई थी। और आइसक्रीम का, ये देखिए आइसक्रीम, छोटी वाली इडली का स्टैंड, छोटी छोटी इडली होती है ना, बड़ा था मेरे पास लेकिन छोटी लाई थी, कभी फ्राइड इडली रेसिपी वगैरह दिखाती थी ना तब लाई थी। और केक का देखिए, और ये लाई थी कभी, जैसे हम लोग ना कुछ भी चीज दिखाती हूँ उसमें मिक्स कर रही हूँ या कोई गोल बना रही हूँ पकौड़ी वगैरह, तो दिखाने के लिए सुंदर लगेगी। तो पता है ये भी बहुत कॉस्टली लाई थी मैं, अभी भी इस पर प्राइस पड़े हुए हैं, देखिए 225 रुपए की थी ये। और ये वाला सेट लाई थी, पता है पूरा सेट लाई थी, ये वाला मेरा खराब हो गया। ये देखिए ये थी एक, और
छह बॉल्स थी और एक इसका डोंगा था इस टाइप का गोल, वो मुझसे जब मैं रेसिपी बनाती थी ना तो मेरे से वो नीचे गिर के टूट गया था, तो इसकी बस यही रह गई है। ये देखिए कितना खूबसूरत है ना, है ना। और अभी कोई चीज गर्म है या कढ़ाई में मैं केक बनाना सिखा रही हूँ या कुछ भी दिखाती हूँ तो ये रखने के लिए लाई थी, जिससे कुछ चीज जले नहीं। और इसके ऊपर ये देखिए ये मेरा सब सामान ऐसे रखा है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लाई थी मैं, कितना खूबसूरत है ये। इसमें तीन चीजें कोई भी आइटम मैं बनाती थी ना तो तीन आइटम इसमें रख के दिखाई दी, इसलिए कितनी अच्छी है ये भी, है ना। और पता है नाइफ रामपुरी चाकू है, ये देखिए चाकू कितना बड़ा लाई थी। कभी जैसे एक बार मैंने ब्रेड बनाई थी, हाँ है ना, तो उसमें पीसेस काटने के लिए लाई थी या और भी चीज वगैरह कुछ भी काटने के लिए, तो ये देखिए नाइफ लाई थी, है ना। बहुत ज्यादा तेज धार है इसकी। और मेहुल हमारा जब रेसिपी बनाती थी तो ना मैं घी तेल कोई भी चीज होती तो हाथ से इस तरीके से लगा के दिखा रही, तो ये लाई थी, है ना। कोई भी चीज किसी भी चीज को हम लोग इस तरह के लगाते हैं ना, ये लाई थी। और आइसक्रीम का लाई थी, आइसक्रीम ये ऐसे ही रखा हुआ है जब से, कोई आइसक्रीम ही नहीं बनी है तब से। और ये देखिए ट्रे, ये भी बहुत कॉस्टली है पता है, ये लाई थी। देखिए कभी जैसे टिकियां बनाती हूँ या पकौड़ी वकौड़ी या कुछ भी चीज जैसे रेसिपी बनाने में हम लोग सर्व करना किसी सामने, भी कितनी अच्छी है ना, रखी हुई है। और नॉन स्टिक कढ़ाई लाई थी, देखिए ये रखी हुई है ऐसी, ये नॉन स्टिक कढ़ाई भी मैं 1100 रुपए की लाई थी। कढ़ाई मेरे पास बहुत थी लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये लाई थी, ये ऐसी रखी हुई है। और ये देखिए आइसक्रीम निकालने के लिए लाई थी, आइसक्रीम के लिए, है ना। ये सब काम की चीज लाई थी क्योंकि ये सब रेसिपी जब हम लोग डालते हैं ना तो बहुत काम होती है। ब्लॉगिंग में तो आप जैसे हो वैसे कुछ भी हो रहा है, बस ब्लॉगिंग हो गई तो। और ये लिख देते हैं, है ना। और ये देखिए ये लाई थी, कभी हम लोग इस चीज की जरूरत पड़ जाती है ना। एक बार मैंने स्माइली बना के दिखाए थे अपनी रेसिपी में, तो स्माइली के लिए ना इसमें होल है ना, तो इस तरीके से स्माइली में छेद करे थे, उसकी आईज बनाई थी इससे, तो ये रखा हुआ है मेरे पास। और बाकी देखिए सब रख के वैसे ही कितनी सुंदर दो लाई थी, जैसे कभी कोई रेसिपी होती है ना रसे वगैरह की सोरबे वाली है वैसी देखी, इसमें बहुत अच्छी लगती थी, सब करती थी मैं तो। ये रखी हुई मेरे पास, और भी बहुत सामान है जो मैंने निकाल लिया है, जैसे पिज्जा कटर लाई थी और वो होते ना कप नाप वाले, उसको क्या कहते हैं, पूरी। बताइएगा कैसी लगी ये मेरी क्रॉफी। बाकी मैंने घर में थोड़ा बहुत घर में निकाल लिया है सामान अपना, क्या कहें, है ना, जो वैसा है वो घर में निकाल लिया, वरना ये इसमें ही पड़ा बस रखा हुआ है, है ना। भर देते हैं इसमें, तो बताइएगा कैसा लगा मेरा ये सामान, है ना। सब कार्टून इतने बड़े में सब भर रखा है मैंने, तो ये चीज भी याद आ जाती है इतना। एक तो ये चीज रखने की ना जगह बड़ा वो हो जाती, कहाँ रखो इतनी क्रॉफी वैसी हो घर में होती, ऊपर से ये वाली इकट्ठी हो गई है ना। तो ये खाली एक तरफ रखिए डिब्बे में भरी, कभी रेसिपी बनाएंगे तो इसमें दिखा लिया करेंगे, लेकिन आलस हो जाता है फिर, ये लगता है घर में जो अपने बर्तन निकले हुए बिलोंगिंग में, तो यही होता भैया जो है वो उसी में दिखाइए भाई, हो गया है ना। तो आज मैं बनाऊंगी भरी आलू की सब्जी। ये देखिए मैंने पेठे वाली भरी तोड़ी थी अभी ये नवंबर में, देखिए इसकी बनाऊंगी भरी आलू, ठीक है। आज ये देखिए भरी को हमने ब्राउन ब्राउन भून लिया, भून चुकी ना अच्छे से। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने, मैं नहा चुकी हूँ और अब अनूप नहाने गए हैं और सब्जी मेरी बन चुकी है लंच ले जाने के लिए। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ जैसा मौका लगता है, कभी मैं पहले भी नहा लेती हूँ उनके जाने से और कभी बाद में भी काम नहीं निपटता थोड़ा छोड़ देती हूँ। अब मैं लड्डू गोपाल को पहले नहला के और मैं पूजा कर लू, है ना लड्डू गोपाल, है ना भैया कृष्णा, हनी हनी कर लो। तो कृष्णा को अब हम नहलाएंगे
गंगा जल डाल लेते हैं हम पानी में। ये हमारे कुंभ मेला गए थे, मिलावाद तपा है, ये कुंभ से लाए थे। और कृष्णा को नहला के और फटाफट पूजा करके, है ना कृष्णा, किशु 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 आज ग्रीन ग्रीन से पहनाएंगे किशु को, ग्रीन वाली, है ना, कैसी लग रही है बताइएगा जब तैयार कर ले तब। कृष्णा की टॉवल है छोटी सी, है ना कृष्णा, है ना केशव, कालू कालू कृष्णा हमारे कालू कालू हो गए हैं, थोड़ा सा शार्प करेंगे कृष्णा को नींबू से दही से, क्यों कृष्णा। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो मेरे लड्डू गोपाल की जय। ओ देखिए मेरे लल्ला कैसे लग रहे हैं अब तैयार होके। तो मेरी पूजा हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं किचन में। तो इधर रेडी है ये देखिए बड़ी आलू की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बड़ी बनी है मेरी, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, किसी जैसे कदरी रहती है ना किसी की, देखिए देखिए कितनी सॉफ्ट बड़ी है ना। बहुत मेहनत लगती है भाई पेठे की बड़ी तोड़ने में, और बंदर तो मेरे यहाँ कमाल के हैं, उससे ज्यादा मेहनत बंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं टिफिन तैयार करती हूँ, अनूप जब तक नहा रहे हैं, और मार्केट बंद है, मेरा लाइटर खराब हो गया है, तो मार्केट फूक फूक के ये देखिए बुरा हाल हो गया है मेरा। और अब मैं शेक बनाऊंगी अनूप के लिए, आज केले का शेक, एक दिन दे देती हूँ केले का और एक दिन दे देती हूँ आम का। तो केले का शेक रेडी है, और मैं अपने लिए बनाऊंगी, पता है ये रखा था थोड़ा सा पनीर बचा हुआ और प्याज भी, और ये कटा हुआ रखा, मैं अपने लिए पनीर और प्याज का पराठा बना लूंगी। खाऊंगी दोपहर में यम्मी से बड़ी आलू से चावल, बहुत अच्छे लगते हैं। अनूप जा चुके हैं ऑफिस, और मैं भी ये देखिए खोल के रखा है मैंने प्याज का और पनीर का पराठा, आइए खा लीजिए, आपकी मिलते हैं आपसे खाने के बाद, भैया भूख लग रही है, ठीक है ना। और इस समय बज गया 11:15, और हालत देखिए सुबह से ना बाल कड़े हैं ना कुछ, वीडियो बन रही है बस। और मेरा बहुत दिनों से पता है एक काम अटका हुआ क्या था, मेरे पास कूलिंग खत्म हो गया था, कूलिंग खत्म हो गया था, तो अभी उस दिन मैंने राशन लिखा था ना, तो उसमें आया, तो मैंने, वरना मेरी आदत है हर 10 या 15 दिन में मैं अपने सीट वगैरह और ये सब शीशा वगैरह साफ करती हूँ, तो आज कूलिंग आ गया है, तो आज मैं ये देखिए सब अच्छे से शीशे पे डालूंगी, और पहले से ही डाल के रख दूंगी ये सीट वगैरह, है ना, ये सब पहले से थोड़ा सा डाल दूंगी ना, तो इससे सब साफ मस्त वाले हो जाएंगे। और मेरी ये किवाड़ है, ये है डोर जो है ना, तो ये भी सब चमक जाएगी, इस पे व्हाइट कलर पे ये सब डालती हूँ, मेरा रूटीन है, मैं सारे जितने पोछने की चीज है सब एक्स वाई जेड आज पोलिंग से साफ होगी, सबसे पहले शशि के आने से पहले ये काम निपटा देती हूँ। मार्केट बंद होने की वजह से देखिए मेरे ये स्विच है ना बहुत से खराब, ये देखिए खराब हो रहा है, ये तो बिल्कुल निकल के गायब हो गया, तो टेप लगा दिया मैं उन्होंने, बहुत सारे ऐसे हो गए हैं और स्विच मिल नहीं रहा है, कोई काम वाला करने वाला भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत इस समय लॉकडाउन में बहुत चीज मेरी मिक्स ही खराब पड़ी हुई है। इनसे देखिए शीशा उशा बहुत अच्छे से साफ हो जाता है एकदम, और मैं आपको नजर भी आ रही होंगी शीशे में, है ना, एकदम से क्लीन हो जाता है शीशा, ये देखिए अभी सारे स्विच एकदम से, पता है इतने टाइम मेरे स्विच हो गए लगे हुए, लेकिन बिल्कुल जैसे किसी किसी के ना ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं ना, बुरे लगते हैं, ये देखिए चमक गया ना शीशा, अब ये देखिए कितने गंदे अभी हो गए हैं, 15-20 ये साफ हो गया, देखिए ये गंदगी देखो इधर का, देखिए कितना साफ हो गया इस चीज को, अभी जब मैंने इधर का साफ किया इधर का नहीं किया, ये देखिए साफ हो गया, चमक गया ना कोलिन से, तो आज ये मैं सारे स्विच चमका के ही रहूंगी। में भी शीशा लगा हुआ है ना, तो इसको भी साफ कर देती हूँ अच्छे से, बढ़िया सा चमक जाएगा ये भी, शीशा बहुत जल्दी इससे साफ होता है, फ्रिज वगैरह सब कुछ आज इसी से करूंगी। ये दरवाजे है ना ये भी मेरे शीशे के हैं, तो इस पे भी मैं अच्छे से डाल देती हूँ ये, और ये सब ये शीशे का,
ये भी शीशे का दरवाजा, इस पे भी डाल देती हूँ और फिर एक बार में सब पोंछ दूंगी। गंदे लग रहे हैं ना, अब तो शीश थोड़े देखिए, देखिए ये सब मैल कट जाएगा है ना। और फ्रिज पे भी ये अच्छे से हो जाएगा एकदम क्लीन, क्योंकि सब्जी वगैरह छोड़ो ना थोड़ा फ्रिज पे जमी जाता है गंदगी। वैसे मेरे आदत है मैं डेली फ्रिज बहुत अच्छे से अपना अंदर से बाहर से सब तरफ से क्लीन करती हूँ। ये सब ये मिक्सी की साफ हो जाएगी, बिल्कुल एकदम चमक जाएगी, जितनी आज वैसी चीजें सब एकदम क्लीन हो जाएगी। और मैं पता है टाइल्स पे भी ये डाल देती हूँ कोलेंट, ये टाइल्स है ना थोड़ा थोड़ा भाई दे देंगे एकदम चमक जाएंगे। ये शशि के आने तक सब सफाई करके डाल देती हूँ मैं। चीज कितने अच्छे से साफ हो गई, देखिए ये दरवाजे है ना मेरे शीशे के कितने अच्छे से चमक गए ना, तो साफ कोलिन बहुत अच्छे से साफ करती है चीज, हर चीज साफ करे कोलिन, चमक गए ना खिड़की दरवाजे सब मेरे सारे चमक गए हैं बहुत अच्छे से। और अब मैं ये सब्जी जो रखी है ना इसको भी वॉश करके अंदर रखूंगी। मैंने ये लहसुन वगैरह अनूप को ना काली दाल डाल के दल भुजिया बहुत पसंद है, तो उन्हें दल भुजिया बनाऊंगी, बहुत ही अम्मी सी बनती है। और ये लहसुन वगैरह लिया था तो उसको वॉश करके धो के रखूंगी, ठीक है। तो चलिए बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। अब आ गई मैं किचन में, सम बज रहा है 6 और अनूप ऑफिस से आ चुके हैं। और मैं आज खाने में बनाने वाली हूँ धुली व्रत की दाल, भिंडी और ये पालक काटूंगी, पालक डाल के बनाऊंगी धुली व्रत की दाल, बहुत टेस्टी लगती है। और रात में उनका पता है खाने पीने का सामान खत्म हो गया था, तो रो रहे थे मेरा सारा सामान खराब, रात के 12 बजे उन्हें भूख लगी, तो मैंने कहा अब लेकर आऊंगी, अभी इसके पापा आए हैं थोड़ी देर बाद लेने जाऊंगी थोड़ा बहुत सामान इसका। और बाकी सामने शॉप है पूनम भाभी की, उससे मैं थोड़ा सा सामान ले आई हूँ इसका भी, तो अभी ये थोड़ा बहुत ले आएंगे इसका सामान। बिस्किट में हम खाते हैं ये वाले टाइगर बिस्किट, थोड़ा सामान में मैं अभी अनूप के साथ गई थी तो ये मेहुल की पिज्जा चीज खत्म हो गई थी ये लेकर आई, और ब्रिक आइसक्रीम बच्चों ने बहुत टाइम से, मेहुल ने आज करीब 5-6 महीने बाद आइसक्रीम तो ये मंगाई थी, इसमें हर्शीज डाल के खाएंगे अभी मेहुल। और ये देसी खत्म हो गया था, वैसे घर पे कभी निकलता लेकिन फिर भी पराठे सीखते हैं ना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता, तो ये भी लेकर आई। फूल लेकर आई, मंदिर मुझे बिना फूलों के बहुत सोना सोना लगता है। और मेहुल की पेप्सी थम्स अप, इतनी हो रही है ना बता नहीं सकते, भगवान नजर आ रहा है किचन में आती है। देखिए मेरा फेस अभी जस्ट लौटी हूँ, ऐसा आग से निकल रही है शरीर में, तो बस पहले मैं ये सामान सर करती हूँ, मेहुल को आइसक्रीम दे दूँ, हर्शीज डाल के खाते हैं मेहुल, ठीक है ना। हमारी ससी थैली में कर सामान, ससी एंड में सबसे एंड में काम हमारा काम जल्दी कर जाती है, ससी बेचारी अब घर जाएगी थैला लेके सामान ले। तो ससी पे ही हम वीडियो सी बाय बाय कर लो, बाय बाय। तो ससी पे ही हम वीडियो का एंड करते हैं, कल मिलते हैं, अच्छा।